और चलिए खबरों में बात करेंगे छतरपुर की, जहां पर तहसीलदार सुनील वर्मा को हटाने के लिए अधिवक्ता संघ ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली है। साथ ही कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि अधिवक्ता संघ लंबे समय से प्रभारी तहसीलदार सुनील वर्मा को हटाने की मांग कर रहे हैं। एडवोकेट रवि पांडे ने बताया कि वर्मा द्वारा नामांतरण बंटवारा सीमांकन में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नामांकन बंटवारा सीमांकन के प्रकरण में घूस लेने के आरोप लगाए गए हैं। तहसीलदार सुनील वर्मा को हटाने की मांग को लेकर वकीलों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। अपर कलेक्टर पीयूष भट्ट ने आश्वासन के बाद अधिवक्ताओं ने जाम को खोलने के आदेश दिए। तहसील न्यायालय में तहसीलदार वर्मा के द्वारा बराबर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जब से उसकी पदस्थापना हुई है, बिना पैसे के कोई काम नहीं करता, आए दिन वकीलों को परेशान करता है और तानाशाही का रवैया अपनाए हुए हो। और जिला कलेक्टर इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। आम जनमानस परेशान है, लोगों को वहां से न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो 25 फाइलें दी गई हैं 5 साल पुरानी, उनको निराकरण के लिए जजों को निर्देश दिए गए हैं, जिसके संबंध में आए दिन एक्सप्रेस तरीके से न्यायालय में काम हो रहा है, जो वकील कर पाने में अक्षम है, जिसके संबंध में आज ये हड़ताल की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है द्वारा कलेक्टर महोदय। 4 बिंदु इसमें उन्होंने लेख किए हैं प्रमुख रूप से। एक ये कि तहसील छतरपुर में जनवरी 2023 से तहसीलदार के प्रभार के रूप में श्री सुनील वर्मा जी की नियुक्ति की गई है। तो इनका जो व्यवहार है और जो कार्य प्रकरणों का निराकरण है, उससे अधिवक्ता संघ संतुष्ट नहीं है। दूसरा कि प्रभारी तहसीलदार द्वारा धारा 151 CRPC की जमानत और अन्य कार्यों में पीलाहवाली की जा रही है, कार्य नहीं हो रहे हैं।